नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़ टुडे और आसम बाबा की नगरी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। जैसा कि सरकार द्वारा जो ये अग्नि फिर जो योजना लाई गई थी, क्या युवा इसमें जाने के लिए सहमत हैं? क्या सरकार की इस योजना से वो सहमत हैं? एक हमारे देश का युवा, एक हमारे भारत का नागरिक जब एक आर्मी में जाता है, ठीक है, तो उसकी जो मेहनत है उसके बाद जो ये 4 साल का टाइम पीरियड कर दिया और एक नई योजना का नाम दे दिया अग्निवीर, इससे हमारे युवा कितने सहमत हैं, आइए हम जानते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ। हाँ, तो सिद्धार्थ जी, ये अग्निवीर जो योजना है, इसमें आपकी राय क्या है? हमारे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम लोग पिछले चार साल से तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको पता होता अगर सरकार 4 साल की ये योजना लाती तो हम लोग इसका तैयारी करते ही, तो हमें पता ही रहता अगर 4 साल हमको आना ही घर आना है तो हम तैयारी किस लिए करते हैं। अगर आप मान लीजिए आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, अब आपको पता रहता कि हमको 4 साल बाद कुछ और करना रहेगा तो आप न्यूज़ पेपर ये कभी नहीं करते। जी, तो सिद्धार्थ मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि CDS बिपिन रावत ने कहा था कि आर्मी नौकरी का जरिया नहीं है। जी 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 जी, है ना, नौकरी का जरिया है, लेकिन इसमें आपका राय क्या है? नौकरी का जरिया नहीं है फिर भी, लेकिन उनके भी फैमिली में रहते हैं, उनका भी पेट पालना सरकार की जरूरत है, सरकार करेगी। मान लीजिए हमको 4 साल भेज दे रही है तो उनका सरकार ख्याल रखेगी। जी, अभी अगर आपने पूरी जानकारी सिद्धार्थ, उसमें कह रहे हैं कि 4 साल के बाद उसमें कहीं ना कहीं आपको वायदा मिलेगी, 10% छूट मिलेगा। हाँ, मान लीजिए इनकी सरकार अभी है, अगले उसमें नहीं रहेगी तो फिर कौन देगा? तो अभी बीजेपी की सरकार है, मान लीजिए इस 5-4 साल बाद भी दूसरी सरकार आ गई तो फिर सभी राज्य में तो है नहीं है, कुछ राज्य में परसेंटेज दिया गया है, और राज्य के लड़के क्या करेंगे? अच्छा, आपका कहना है कि खुशी राज्य में है। हाँ, कुछ अच्छा, जो यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और पंजाब हो गए, हरियाणा हो गए, यही 4-5 राज्य में छूट दिए रहे हैं। एक्स्ट्रा जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अगर 10% ये आर्मी वाले के चले जाएंगे, 10% जो मतलब उनको मिलेगा तो हम लोग जाएंगे, लेकिन जो अगले बंदे तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा? तो सिद्धार्थ, सरकार ने कहा है कि इसमें 4 साल के बाद कुछ राशि आपको दी जाएगी जिससे आप उसका किसी अदर फील्ड में या किसी अदर क्षेत्र में उसका प्रयोग कर सकते हैं। 4 साल में आप बताइए, अगर 11-12 लाख रुपए आपको मिलेगा तो क्या आप 11-12 लाख रुपए फैमिली में नहीं है किसी को, आपको जरूरत नहीं, इकट्ठा तुरंत दे देंगे? 2 साल घर में मान लीजिए शादी पड़ गया सिस्टर का किसी का भी, 4-5 लाख रुपए ऐसे चला जाता है, आप तुरंत बिजनेस तो कर नहीं पाएंगे। कह रहे कि 4 साल के बाद जो 25% का जो वो है रेशियो है वो रखेंगे, ये तो परमानेंट 25% के लिए ये तो सही है, उसके बाद जो चले जाएंगे उनका तो सही है, जो रिटर्न वापस आएंगे जरूरी नहीं उनको सर्विस मिली ही जाए, 10% रख रहे हैं। और जो आपको पता होना चाहिए, जो लड़के तैयारी करते हैं उनका पढ़ने में थोड़ा सा वीक रहते हैं, उनका जो इसी पर डिपेंड है वो क्या करेंगे? सिर्फ आर्मी है, उसके अलावा कुछ उनका ऑप्शन नहीं, वो क्या करेंगे? सरकार को लगता है कि युवाओं का पेंशन बंद कर देंगे तो इकोनॉमी देश का अच्छा हो जाएगा, अपना वो लोग पेंशन नहीं बंद कर रहे हैं, उनका हर साल पेंशन बढ़ रहा है, सैलरी हर साल बढ़ रही है। आपने अभी कहा कि जो ये पार्लियामेंट में बैठते हैं जो सांसद वगैरह हैं, ये जो इनकी पेंशन पे अगर रोक लगाई जानी चाहिए। जी सर, जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि इनकी पेंशन हम लोग बताइए, हम लोग का पेंशन क्या है, हम लोग का ज़्यादा मिलेगा महीने का 40,000 रुपये, उनकी महीने उन लोगों की महीने की 1,00,000 रुपये 1.5 लाख रुपये पेंशन सिर्फ आती है सर। एक बार अगर चुनाव जीत गए उनको पूरा जिंदगी भर आजीवन पेंशन मिलेगा, पेंशन हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग का तो कुछ नहीं है। जी जी, उनका टोल से लेकर खाने से लेकर सब कुछ फ्री है, कहीं नहीं लगा, 1 रुपए नहीं जा रहे हैं, हम लोग का पैसा लगेगा, उनका पैसा तक नहीं लगेगा, बस देख करके। हाँ भाई, ये आप क्या आप तैयारी करेंगे? तैयारी करने में मजबूरी हम लोग, क्योंकि कहीं के नहीं रहते, ना इधर के बचे ना उधर के, अगर नहीं डालेंगे तो क्या करेंगे? कुछ अभी हमारे पास कोई चांस ही नहीं है कि मतलब क्या करें अब इसके बाद, हमारा हम लोग का तो मन कर रहा है सुसाइड कर लें, क्या करें, नहीं है। पिछले 4 साल से हम लोग सुबह शाम उठ के, अगर जो बंदा 3 बजे से ठंडी में उठता है उससे पूछिए कैसे उठता है, नहीं तो बिस्तरे से निकलने का मन नहीं करता, हम लोग 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर डेली दौड़ते हैं, उनके दिल पे क्या होगा? अब हम लोग यही भी सोच रहे हैं, हम देश की डिफेंस छोड़कर राजनीति शुरू किया जाए, और क्या करेंगे भाई, इसी में दिख रहा है, तैयारी करेंगे अपना लगे, कभी ना कभी बूढ़े होते होते कम से कम एक बार तो चुनाव जीत ही जाएंगे, जीत गया तो फिर हो गया काम।